रिसोर के बेसिक माउंटेनियर जितेंद्र और जैनिश ने 12,000 फीट हाइट पर लहराया तिरंगा। एनसीसी अधिकारी कनौजिया की टीम ने 12,000 फीट हाई पीक सबमिट कर लहराया तिरंगा। मंदसौर जिले के बेसिक माउंटेनियर और एनसीसी ट्रुप कमांडर जितेंद्र कनौजिया और बेसिक माउंटेनियरिंग जैनिश बरड़िया का चयन राष्ट्रीय स्तरीय ट्रैकिंग गाइड कोर्स के लिए हुआ था। यह कोर्स भारत सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली द्वारा यह ट्रेनिंग सिरमौर जिले में नोहराधार में आयोजित की गई। नोहराधार से चुरधार 12,000 फीट हाइट पिक सबमिट किया और चुरधार सिरमौर जिले से शिमला जिले में ट्रैकिंग समाप्त की। यह पूरी ट्रेनिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध चौहान अल्पिनिस्ट के नेतृत्व में आयोजित हुई। ट्रेनिंग कर दौरान इंस्ट्रक्टर पंकज चौहान गौरव चौहान द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान 90 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग 35 किलो वजन के साथ नाइट हाइकिंग रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग जुमारिंग एवं रेस्क्यू रैपलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी ट्रेनिंग प्रदान की गई। ट्रेनिंग में मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ट्रेनिंग के दौरान जंगल में कैसे सर्वाइवल किया जाता है बिना भोजन भी, यदि हम माउंटेन में होते हैं तो कैसे हमको सर्वाइवल करना है, इन सब का प्रशिक्षण दिया गया। पूरे ट्रैक के चलते 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे 12,000 फीट पर कनौजिया और जैनिश ने अपनी टीम के साथ तिरंगा लहराया। 19 सितंबर को नारकंडा पूरी टीम पहुंची और जहां डायरेक्टर अनिरुद्ध चौहान द्वारा सभी प्रतिभागियों का बैच प्रदान कर सम्मानित किया गया। अनिरुद्ध चौहान ने बताया कि सभी प्रतिभागियों ने ट्रैकिंग गाइड कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है, पूरे समय जंगल में रहकर ट्रेनिंग प्राप्त की है। जिन राज्यों से प्रतिभागियों ने जो ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं उनके प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जब भी जिले में या क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब यह ट्रेनर्स आपदा से निपटने हेतु तत्पर तैयार रहेंगे। मंदसौर जिले के जितेंद्र कनौजिया जैनिश बरड़िया ने सकुशल कोर्स पूर्ण कर लौटने पर माननीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग नवीन नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री मंदसौर वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जिला कलेक्टर गौतम सिंह आईएएस 5 मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी नीमच के कमान अधिकारी कर्नल शरद मोहन सिंह भारतीय सेना जिला अनुविभागीय अधिकारी बिहारी सिंह तहसीलदार मुकेश सोनी तहसीलदार नारायण नांदेड़ जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा पूर्व खेल अधिकारी अशोक पाटीदार सेंट थॉमस विद्यालय मैनेजर फादर लॉरेंस प्राचार्य सिस्टर ज्योतिष जेके पब्लिक स्कूल सीतामऊ मैनेजर निशित बरड़िया चीफ ऑफिसर वीरेंद्र कुमार तिवारी एनसीसी एवं सिविल डिफेंस जिला अधिकारी विजय सिंह पुरावत टीओ विक्रम शर्मा टीओ धीरज शुक्ला हिंदुस्तान स्काउट गाइड मध्य प्रदेश राज्य सचिव गणेश शर्मा हॉकी फीडर सेंटर कोच अविनाश उपाध्याय पूर्व नेवी अधिकारी और यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान सूबेदार धनंजय शर्मा जिला दशपुर राइफल शूटिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सचिन जैन प्रहलाद शर्मा और समस्त विद्यालय परिवार ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। उक्त जानकारी जिला नोडल अधिकारी विजय सिंह पुरावत ने देते हुए बताया कि हमारे जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मंदसौर जिले में शायद ही पहले किसी ने इस प्रकार की गतिविधि में भाग लिया है। कनौजिया ने मंदसौर जिले के 4 छात्रों को बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स
30 छात्र सैनिकों को एडवेंचर कोर्स, 40 छात्र सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कोर्स, 28 छात्र सैनिकों को बेसिक स्कीइंग कोर्स पूर्ण करा चुके हैं और आगामी माह में एक छात्रा और एक छात्र भी माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए प्रस्थान करेंगे। यह हमारे लिए, जिले के लिए गर्व की बात है। साथ ही छात्र छात्राओं ने प्रदेश का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर किया और नाम रोशन किया है। मंदसौर जिले से दो छात्र बेसिक माउंटेनियर जिनका चयन ट्रैकिंग गाइड कोर्स के लिए हुआ था, जो कि यह कोर्स भारत सरकार मान्यता द्वारा अदर राज्यों से बच्चे भी आए थे और 40 छात्र प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रेस्क्यू रैपलिंग और अन्य गतिविधियां करवाई गई और पूरे हिमाचल में चूड़धार ट्रैक जो था हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में था। यह ट्रेनिंग जो है डायरेक्टर अनिरुद्ध चौहान जो कि एल्पिनिस्ट है और उनके नेतृत्व में यह पूरी ट्रेनिंग हमने प्राप्त करी है, जिसमें हमारा कई आपदा प्रबंधन जैसे कोर्स होते हैं जो भूस्खलन हो जाता है या आपदा आ जाती है, कैसे उनका बचाव करना है, कैसे हमको ट्रेनिंग प्राप्त करना है और जो एवरेस्ट की जो ट्रेनिंग होती है पिक सबमिट करने वाली, हमारा जो पिक था वो था चूड़धार महादेव जी का मंदिर जो कि 12,000 हाइट पिक सबमिट कर हम लोगों ने 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे के आसपास अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर तिरंगा लहराया।